सो गाइस आज बनाऊंगी राजमा। ये मैंने रात को भिगो दिए थे और ये चढ़ा दिया है दूध। अभी रिशान का टिफिन बनाना है पोहा, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी। तो पोहा मैंने धोकर रख दिया है और ये जो पोहा का डिब्बा था चूरा का, तो ये खाली हो गया था। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई भी बॉक्स खाली होता है मैं तुरंत वॉश करके रख देती हूँ और फिर सही रहता है। अगर ऐसे ही रख दो और इसमें कुछ और सामान रख दो तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो बस मैं इसको वॉश करके रख दूँगी, देन पोहा बनाऊँगी। सो गाइस मेरा पोहा बन चुका है और मैं ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ जब भी टिफ़िन बनाती हूँ। तो बस मैं अपने लिए लेकर आई थी, तो रिशान का भी मन था, उसको भी खिला दिया थोड़ा। वैसे वो सुबह नाश्ते में सूजी की खीर ही खाता है डेली, अभी तो वो डेली यही खा रहा है और कभी कभी चेंज के लिए टोस्ट और चाय भी खा लेता है। बट मैं पोहा खा रही थी तो मैंने भी उसको थोड़ा सा खिला दिया और देन फिर वो स्कूल चला गया और मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिए। अलमारी तक बड़े हो गए। बाय राधे राधे। नहीं 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 भूल गए भूल गए। अरे पापा ने पकड़ाया है, शूज पहन रहे ना। हमको दो हमको दो। सो गाइस ये मैंने राजमा बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए हैं और पानी में खड़े मसाले डाल दिए हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा नमक। और तब तक मैं, जब तक राजमा बॉईल होंगे मैं कपड़े आयरन कर लूँगी क्योंकि काफ़ी सारे खट्टा हो रहे थे, काफ़ी टाइम के रखे हुए थे, मैं कर ही नहीं रही थी क्योंकि ऋषभ मोस्टली क्या होता है आजकल जीन्स और टी शर्ट पहन कर जाते हैं। तो मेरी कुर्तियाँ भी हो गई थी दो और ऋषभ के कपड़े तो, और ईशान का एक कुर्ता था वो जो स्कूल में ईद सेलिब्रेशन हुआ था उसका, तो वो सारे कपड़े मैं आयरन कर लूँगी और तब तक मेरे राजमा बॉयल हो जाएंगे, देन फिर राजमा बना लूँगी। तो कपड़े हो चुके हैं मेरे आयरन और काफ़ी इकट्ठा हो गए थे यार, बहुत दिन से रखे हुए थे, आज फाइनली किया है। और ये मैंने ना ऑर्डर किया था टीवी का कवर, तो इसको ऐसे ही कुछ भी नया सामान आता है, मेरी आदत है ना हल्का वॉश करने की, तो मैं इसको हैंड से वॉश करा था और क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही हल्की क्वालिटी का है। तो बेटर है कि मार्केट से ही ले लेना चाहिए कुछ चीज़ें, हर चीज़ ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करनी चाहिए। तो अभी इसको डालना है और कपड़े रखने हैं, उसके बाद फिर मैं पीसूंगी मसाला प्याज टमाटर राजमा के लिए। राजमा बॉईल हो चुके हैं। सो गाइस राजमा की पूरी तैयारी कर ली है, ये बॉईल भी हो चुके हैं राजमा। उसका पानी ना मैं निकाल देती हूँ क्योंकि इसमें खड़े मसाले डाले थे और ये टमाटर पीस लिया है, तीन टमाटर लिए हैं, प्याज एक लिया है, प्याज कम, और ये सारे मसाले निकाल लिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, राजमा मसाला और ये हरा धनिया। और बस अब मैं फटाफट से बनाऊंगी। सो गाइस मैं राजमा बनाने जा रही थी और देखा कि बॉटल में ऑयल ख़त्म हो गया था और मुझे भरना था। एक्चुअली रात में सोचा था भर लूँ बट फिर काम करते करते भूल गई, तो अभी बस मैं भरने जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। और वैसे क्या होता है, मैं ना बॉटल वाला ही मंगाती हूँ, वो मुझे डालने में ज़्यादा सही रहता है। और पैकेट वाला क्या होता है, जब बॉटल में भरो तो थोड़ा बहुत तो गिरता ही है। खैर इसको भर के उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। सो गाइस अब बनाने जा रही हूँ राजमा, तो उसके लिए मैंने लिया है ऑयल और उसमें अब मैं प्याज को, पिसे हुए प्याज को भून लूँगी जब तक ये ऑयल सेपरेटिंग कर देगा, और उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दूँगी टमाटो प्यूरी। और गाइस मैंने टमाटो प्यूरी के साथ ही कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर दी थी यहीं पर, और फिर जब ये भी अच्छे से भून जाएगी उसके बाद मैं सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, एक चम्मच फ्रेश मलाई ऐड करूँगी और मसाले को अच्छे से भून लूँगी जब तक ये पूरा ऑयल सेपरेट ना कर जाए। फिर मैं ऐड कर दूँगी राजमा और थोड़े से राजमा ना वैसे मैश करके भी ऐड करूँगी, जिससे जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक बनती है, बस इतना करना है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर लीजिए, नमक ऐड कर दीजिए
और अच्छे से बॉयल दे दीजिए। बस राजमा तैयार है। तो गाइस सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ रिशान के स्कूल, क्योंकि उसके यहाँ हफ्ते में एक दिन क्लास वर्क नोटबुक्स दिखाई जाती है, तो बस मैं वही देखने के लिए जा रही हूँ। कौन सी वाली आजकल कौन सी कराते हैं? चार वाली, चार रहते हैं। चूहे का बुखार वाली कौन सी होती है? आया हमको पता ही नहीं है कि सुनाई कैसे हम। तुम तो अभी हमको बता रहे थे। आया हमको हमको आ रहा ही नहीं, कैसे बताया? आलू वाला चूहे का बुखार वाला गाना हमको हम कौन में बोल के आए थे तब में बोले। और आलू का चालू वाला भी कराते हैं? हाँ, आलू का चालू का बेट कहाँ है बेटा वाला ऐसा भी कराते। कहाँ है बेटा आलू का चालू कहाँ गए थे वाला कराती ही नहीं है। वो तो एक बुखार वाला भी नहीं कराती है। जल्दी से फिनिश कर लो होमवर्क, फिर नहीं करे। चलो जल्दी से फिनिश करो होमवर्क, मैं भूल जाती हूँगी। सो गाइस अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और आज मैं आई थी हेयर कटिंग के लिए क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो रिशान स्कूल गया हुआ था, मैंने सोचा करवा लेती हूँ, वरना फिर मुझे कामों में बिज़ी रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो इन सब कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है मुझे। तो थोड़े छोटे करा लूँगी तो केयर भी हो जाएगी बालों की, तो बस हेयर कटिंग के लिए आई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और जैसे कि आपने देखा आज मैं हेयर कट के लिए गई थी, तो मैंने करा लिया है, थोड़े छोटे करा लिए, काफ़ी लंबे हो गए थे और इसलिए छोटे करा लिए ताकि मैं आप केयर कर सकूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबे बालों में केयर हो नहीं पाती है, तो वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो अब छोटे करा लिए, तो अब सोच रही हूँ कि ऑल्टरनेट डेज या तीन तीन दिन में ऑयलिंग करती रहूँगी, तो जो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है उसी की वजह से बाल झड़ते हैं, तो वो कम हो थोड़ी। और इस ब्लॉग को फिर मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए रिशान पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है स्कूल का। तो बस मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।